फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, देखिए डोमेन इसका निकाल रहा है तो पंगा क्या हो सकता है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या ये जीरो होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो, ये मैंने पता करने की कोशिश की कहाँ पर जीरो हो रहा है, तो चार थी बार है तो ये तो कुछ आ नहीं रहा है, कुछ कैसे आएगा, तो एक्स की वैल्यू कहेगी बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, तो एक्स की वैल्यू आएगी क्या माइनस बी एट प्लस माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस फोर एसी, फोर एट 48 और बाई टू, तो ये कितना आएगा, और ये 64 में से 16 चार आ जाएगा, 8 प्लस माइनस 4 बाई टू, ये तो आसान से ही आ रहे थे यार, तो एक तो 6 आ रहा है, अच्छा दो नहीं आ रहा है, वही 2 आ रहा है, तो सिंपल से रूट थे 6 और 2, मैंने गलती कर दी, वो आप भी निकाल सकते थे डायरेक्टली, ये मैंने श्रीधराचार्य रूल से निकाले, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 एसी अपॉन 2, तो इससे रूट्स तुरंत आ जाएंगे, और इसके वैसे फैक्टराइजेशन से भी रूट्स मेरे पास आ सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x कर देता माइनस 2x कर देता, एकदम आराम से आ जाते, 6 को कॉमन लेता एक्स, एक्स को कॉमन लेता एक्स माइनस 6 आता, और माइनस 2 को कॉमन लेता तो एक्स माइनस 6 आता इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 6 आ गया, तो ये एक्स की ऐसी वैल्यूज आ गई जहां पर ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ध्यान से समझिए कि जब अपॉन में टर्म 0 आ जाएगा तो वो पॉइंट्स मेरी डोमेन से गायब हो जाएंगे, अपॉन में टर्म 0 आ जाएगा तो वो टर्म मेरी डोमेन से गायब हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी जो डोमेन है फंक्शन की डोमेन है वो कितनी आ जाएगी, या तो मैं ऐसे लिखूं r माइनस सेट लिख दूं 2,6, और या फिर मैं लिखूं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस इनफिनिट 2 ओपन यूनियन 2 ओपन 2 6 ओपन यूनियन 6 ओपन 2 इनफिनिट ओपन, तो ये भी मैं लिख सकता हूं और डोमेन इस फंक्शन की, ओके, तो मुझे लगता है इसमें कोई क्लियर कोई दिक्कत नहीं है और ये अच्छे से समझ में आ गया, तो कांस्टेंट अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है, तो अपॉन में जो टर्म जीरो होते हैं वो डोमेन से निकाल देते हैं, ओके, वो डोमेन में नहीं होते जिन टर्म्स के लिए अपॉन का एक्सप्रेशन जीरो होता है।